Very good morning, students, and most welcome again to online classes. As you know that these days we are having literature, and right now it's time to have the next lecture of the chapter number 4 about the anime by Paul Ellsberg. You know that we were having the chapter number 4 of the book number 2, Vistas, in CBSE. The anime, chapter number 4, the anime by Paul Ellsberg. So last time, next lecture, we were on page number 37 of the same chapter, the anime by Paul Ellsberg. Let's have it now, students. So, page number 37, the anime by Paul Ellsberg. Okay, we completed the line like the servant cannot understand that she said and exiting in the last class. Okay, the servants cannot understand that. Naukar is baat ko nahi samajh sakte. Ye line humne padhi thi last class mein. The servants cannot understand that. Naukar is baat ko nahi samajh sakte. She said anxiously. Usne badi utsukta se kaha. हाना ने बड़ी उत्सुकता से बोला कि नौकर जो इस बात को नहीं समझ सकते. नो ही अग्रीड. उसने कहा नो नहीं. ही अग्रीड. वह इस बात पर सहमत हुआ कि हाँ नहीं. नीदर सीम एबल टू से मोर. नीदर सीम एबल टू से मोर. और दोनों में से कोई भी जो है और अधिक कहता हुआ दिखाई नहीं दिया. ना तो हाना और ना ही सदा. दोनों में से कोई भी और अधिक कहता हुआ दिखाई नहीं दिया. एंड समहाउ द हाउसहोल्ड ड्रैग्ड ऑन. और किसी तरह से घर का काम चलता रहा. और किसी तरह से घर का काम जो है चलता रहा. ड्रैग्ड ऑन का मतलब चलना. किसी तरह से घर का काम चलता रहा. नीदर सीम्ड एबल. द प्रोनंसिएशन ऑफ एन ई आई टी एच आर इज नीदर नॉट नाइदर. इज ईदर नीदर. ओके. नीदर सीम्ड एबल टू से मोर. दोनों में से कोई भी कुछ और अधिक नहीं कह पाया. एंड समहाउ द हाउसहोल्ड ड्रैग्ड ऑन. और किसी तरह से घर का काम चलता रहा. और किसी प्रकार से घर का कार्य चलता रहा. द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल. और जो नौकर है और अधिक वॉचफुल और अधिक सजग हो गए थे. और जो नौकर है सर्वेंट्स है वो और अधिक सजग हो गए थे. देयर कर्टसी वॉज एज केयरफुल एज एवर. उनकी शिष्टता उनकी शिष्टता जो है वॉज एज केयरफुल एज एवर. वह पहले की तरह ही बड़ी सावधानी थी. मतलब सावधानी पूर्वक थी. केयरफुली वो अपनी शिष्टता निभा रहे थे. बट द आईज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू व्हिम दे वर हायर्ड. लेकिन उनकी आंखें जो है जिनके लिए उन्हें नौकरी पर रखा गया था उनके प्रति तिरस्करणीय हो गई थी. कोल्ड अपन का मतलब ठंडी पड़ जाना. तिरस्करणीय होना मतलब उन्हें तिरस्कार की भावना से देख रहे थे. किन्हें? जिनके लिए उन्हें हायर किया गया था. जिनके लिए उन्हें नौकरी पर रखा गया था. किनके लिए? सदा और हाना के लिए. उनकी फैमिली के लिए. इट इज क्लियर व्हाट आवर मास्टर ऑट टू डू. ये बात बिल्कुल क्लियर है हमारे मालिक को क्या करना चाहिए. ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे मालिक को करना क्या चाहिए. द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग. एक ओल्ड गार्डनर ने एक सुबह कहा. जो बूढ़ा माली था उसने सुबह कहा. क्या कहा? इट इज क्लियर व्हाट आवर मास्टर ऑट टू डू. की बात बिल्कुल साफ है कि हमारे मालिक को करना क्या चाहिए. हमारे मास्टर को हमारे मास्टर मीन सदा को करना क्या चाहिए. ही हैड वर्कड विथ फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ. उस ओल्ड गार्डनर ने अपने संपूर्ण जीवन जो है फूलों के साथ काम किया. माली का काम जो है फिलहाल बगीचे की रखवाली करना होता है. फूलों की रखवाली करना होता है. फूलों की देखरेख करना होता है. बागान की रखवाली करना होता है. वही किया उसने. ही हैड वर्क विथ फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ. उसने अपने संपूर्ण जीवन जो है फूलों के साथ कार्य किया. फूलों को संभाला. फूलों की देखरेख की. एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस. और वह मॉस में स्पेशलिस्ट रह चुका था. एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस. मॉस का मतलब काई. काई का जो बगान होता है घास ही होती है. यहाँ पर मॉस एक वर्ड जो लिखा है हालांकि एलगी होता है मॉस का मतलब. लेकिन यहाँ पर घास से ही है जो छोटी छोटी घासें होती है. सो एंड ही हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस. और मैं मॉस का मतलब यहाँ पर जो घास का बगीचा है जो काई का बगीचा उसको लगाने में भी काफ़ी स्पेशलिस्ट था. फॉर सदाओस फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन इन जापान. और सदाओ के फादर के लिए उसने जापान में जो एक बहुत ही सुंदर सा मॉस का गार्डन सुंदर सा काई का बगीचा घास का बगान जो है लगाया था. स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कार्पेट कॉन्स्टेंटली. और वह लगातार जो है उस सुनहरे से चमकीले से हरे रंग की जो चटाई थी मतलब जो घास का मैदान था उसे लगातार साफ करता था. सो दैट नॉट अ लीफ और अ पाइन नीडल मेड द वेलवेट ऑफ इट सरफेस. ताकि एक पत्ता और एक ताड़ की पत्ती का जो कांटा होता है ताड़ के वृक्ष का जो नीडल होता है जो पाइन जो होता है पाइन ताड़ का वृक्ष है. आई रिपीट द लाइन अगेन फॉलो. वी आर टॉकिंग अबाउट ओल्ड गार्डन गार्डनर. अब यहाँ पर बूढ़े माली के बारे में बात कर रहे हैं. फॉर सदाओस फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन. कि सदाओ के पिता के लिए उस ओल्ड गार्डन ने जो है बहुत ही सुंदर बगानों में से एक मॉस का बगान बनाया था. घास ही है. इन जापान जापान में स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कार्पेट कॉन्स्टेंटली. और लगातार जो है उसने उस सुनहरी सी घास की
चटाई को जो है वो चादर का, चटाई का मतलब यहाँ पर कैसे वो जमीन पर लगी घास है उसे लगातार स्वीप किया था, साफ किया था, सो दैट ताकि नॉट अ लीफ, ताकि एक पत्ती भी और अ पाइन नीडल, और जो पाइन की नीडल है, ताड़ के वृक्ष का जो कांटा है, मेड द वेलवेट ऑफ इस सरफेस, कहीं इस मखमली सरफेस को खराब ना कर दे, मेड ना कर दे, खराब ना कर दे, उसने लगातार जो उस बगीचे की सफाई की थी, सदाओं के पिता के लिए भी और सदाओं के लिए भी। माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल, और मेरे बूढ़े, मेरे ओल्ड मास्टर का मतलब पहले वाला मास्टर, सदाओ फादर की बात यहाँ पे हो रही है कि सदाओ के पिता की बात। माई ओल्ड मास्टर सन मेरे ओल्ड मास्टर का जो बेटा है मतलब सदाओ जो है, नोज वेरी वेल, ये बात अच्छी तरह से जानता है। सदाओ के जो जो ओल्ड मास्टर के बेटे हैं, पुत्र हैं, वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, व्हाट ही ऑट टू डू, कि उन्हें करना क्या चाहिए, किसको लेकर के, वाइट मैन को लेकर के, कि उन्हें करना क्या चाहिए। ही नाउ सेड, अब उसने कहा, पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बश एज ही स्पोक, और एक बश, एक झाड़ी से, बर्ड का मतलब एक कली को तोड़ कर कहा, और एक झाड़ी से कली को तोड़ते हुए कहा उस ओल्ड गार्डनर ने, व्हेन द मैन वाज सो नियर डेथ, कि जब वह आदमी मौत के बहुत नजदीक था, जब वह आदमी मौत के बहुत ही नजदीक था, व्हाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, क्यों सदाव ने, मतलब मालिक को बोल रहे, अपने अपने मास्टर को बोल रहे, तो क्यों सदाव ने जो है उसका खून नहीं बहने दिया, क्यों नहीं मर जाने जाने दिया उसको, उसे क्यों बचाया उसे। झाड़ी से कली तोड़ के कहा कि व्हेन द मास्टर वाज, व्हेन द मैन वाज सो नियर दैट, कि जब आदमी व्हाइट मैन मौत के इतने नजदीक था, मौत के इतने करीब था, व्हाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, तो क्यों खून नहीं बहने दिया, क्यों नहीं मर जाने दिया उसको मालिक ने, सदाव ने, दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनीवन लाइफ, क्योंकि यंग मास्टर है, सदाव की बात यहाँ पे हो रही है, ओल्ड गार्डनर बोल रहे हैं यहाँ पे, दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल, कि जो नवयुवक जवान जो मालिक हमारे हैं, अब उन्हें अपने कौशल पर बड़ा ही प्राउड है, बड़ा ही नाज है, टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ, जीवन बचाने का, कि जीवन बचाने के कौशल पर उन्हें बड़ा ही नाज है कि वो किसी का भी जीवन बचा सकते हैं। मतलब हमारे मालिक को किसी की लाइफ बचाने के अपने स्किल पर बहुत ही प्राउड है, वो किसी की लाइफ बचा सकते हैं, ऐसा प्राउड है उन्हें। द कुक सेड कंटेम्प्टुअसली, और कुक ने बात जो बड़े तिरस्करणीय तरीके से कही, कुक ने बात, कुक किसने बोला ये वाली बात कही, कुक ने, किसने, कुक ने कही, रसोई ने बोली बड़े तिरस्कार की भावना से, शी स्प्लिट अ फॉल्स नेक, उसने क्या किया, एक मुर्गी गर्दन को तोड़ा, स्प्लिट का मतलब तोड़ना होता है, स्प्लिट तोड़ना यहाँ पर है, तोड़ना, खींच के तोड़ना, सी स्प्लिट अ फॉल्स नेक, और उसने क्या किया, मुर्गे की गर्दन को तोड़ा स्किलफुली, बड़े कौशल के साथ, एंड हेल्प द फ्लटरिंग बर्ड, और उस पक्षी को जो है फड़फड़ाने दिया, एंड इट लेट इट्स ब्लड फ्लो इन टू द रूट्स ऑफ अ विस्टीरिया वाइन, और उसकी उसके खून को जो है विस्टीरिया वाइन की बेल में बहने दिया, और उसके खून को जो है विस्टीरिया नामक जो बेल है, जो वाइन यहाँ पर जो बेल है उसकी बेल में बहने दिया। ब्लड इज द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये खून जो है सर्वश्रेष्ठ खाद होता है, खून जो है, ब्लड जो है सर्वश्रेष्ठ खादों में से एक खाद है, एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, और जो बूढ़ा गार्डनर था वह इसका एक भी बूंद जो है वेस्ट नहीं करना चाहता था, एक भी बूंद जो गुस्से में कह रहा था कुछ, हालांकि वो ऐसा करता है, बेलों में वह खून डालता है, करता है, पहले भी करता आया है, लेकिन यहाँ पर वो कहता है एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, और जो बूढ़ा गार्डनर है वह इसका एक भी खून जो है खराब नहीं करना चाहता, बर्बाद नहीं करना चाहता, वेस्ट नहीं करना चाहता, व्यर्थ नहीं करना चाहता। इट इज द चिल्ड्रन ऑफ वो वी मस्ट थिंक, यूमी सेड सैडली, और यूमी ने बड़े दुख के भाव से बोला, यूमी ने बड़े दुखियों के बोला कि ये तो वो बच्चे हैं जिनके बारे हमें सोचना चाहिए। इट इज द चिल्ड्रन ऑफ वो वी मस्ट थिंक, ये तो वो बच्चे हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। यूमी सेड सैडली, यूमी ने बड़े दुख से बोला, What will be their fate if their father is condemned as a traitor? कि उनका भाग क्या होगा, उनका सौभाग्य क्या होगा, उनका भाग क्या होगा, fate क्या, किस्मत क्या होगी उनकी, if their father is condemned as a traitor, अगर उनके पिता को एक देशद्रोही के रूप में दोषी माना जाए, condemned का मतलब दोषी मानना। यूमी ने बड़े दुख से बोला कि ये तो वो बच्चे हैं, it is the children of whom we must think, कि ये तो वो बच्चे हैं जिनके बारे में हमें अवश्य सोचना चाहिए। यूमी सेड सैडली, यूमी ने बड़े सैडली कहा, बड़े दुख से बोला, What will be their fate if their father is condemned as a traitor? कि उनका फेट क्या होगा, बच्चे का भाग्य क्या होगा, बच्चों का भाग क्या होगा, If their father is condemned as a traitor, अगर उनके पिता को एक ट्रेटर के रूप में, एक देशद्रोही के रूप में सजा मिलती है, उन्हें दोषी माना जाता है तो।
They did not try to hide what they said from the ears of Anna. They did not try to hide what they said. और जो भी उन्होंने कहा उन बातों को उन्होंने हाना के कानों से छुपाने की कोशिश नहीं की. They did not try to hide what they said from the ears of Hana. और जो भी उन्होंने कहा उन बातों को उन्होंने हाना के ears से हाना के कानों से hide का मतलब यहाँ पर छुपाने की कोशिश नहीं की, मतलब वो जानबूझकर बोल रहे थे कि हाना सुन ले. As they stood arranging the day's flower in the veranda nearby, जैसा कि हाना भी जो है नियर बाय नज़दीक ही जो है बरामदे के वहाँ फ्लावर्स इन द वरांडा बरामदे में जो फ्लावर्स को अरेंज कर रही थी फूलों को व्यवस्थित कर रही थी तो वहीं आसपास थी सुन रही थी उनकी बातें. एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पस दैट शी माइट हियर और वह जानती थी कि उन्होंने इस पर्पस से बोला था इस उद्देश्य से बोला था ताकि वह सुन लें कौन मैं सुन लूँ हाना सुन लें. दैट दे वर राइट शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बींग दैट दे वर राइट शी न्यू और वह जानती थी और वह जानती थी देवर राय कि वो सही थे. एंड दैट देवर राय शी नो टू इन द मोस्ट ऑफ हर बींग और मोस्ट ऑफ हर बींग का मतलब अपनी अंतरात्मा से हाना अपनी अंतरात्मा से ये बात जानती थी कि वो बिल्कुल सही थे वो जो बोल रहे थे बिल्कुल सही थे. बट देर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच सी हर्सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड बट देर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर लेकिन इसके अंतर्गत उसका एक और हिस्सा था उसके बींग ऑफ मोस्ट ऑफ अवर बींग का मतलब वहाँ पर था अपना अंतरात्मा लेकिन उसके अंतरात्मा में एक और हिस्सा ऐसा था विच शी हर्सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड जिसे वो खुद नहीं समझ पाई थी सिहाना खुद नहीं समझ पाई थी. इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर लेकिन यहाँ पर कैदी को पसंद करना किसी भी तरह से भावनात्मक नहीं था जो भी हिस्सा यहाँ पर था उसके अंतरात्मा में लेकिन यहां पर कैदी को पसंद करना बिल्कुल भी भावनात्मक नहीं था. शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर वह उसके बारे में यहां पर एक कैदी के रूप में सोचने के लिए आई थी मतलब उसने उसे कैदी ही समझा था कुछ और नहीं. शी हैड कम टू थिंक वह आई थी यहां पर टू थिंक सोचने के लिए उस कैदी के बारे में एज अ प्रिजनर एक कैदी के रूप में मतलब यहां पर इसका मतलब है कि उसने उसे कैदी ही समझा था. She had not liked him ever yesterday. She had not liked him even yesterday. कि ना तो उसने उसे कल पसंद किया था when he had said in his impulsive way. और यहाँ ना तो उसने कल पसंद किया था जब उसने किसने उस वाइट मैन ने बड़े इम्पल्सिव बड़े ही भावनात्मक तरीके से कहा था क्या कहा था anyway, चलो जो भी है let me tell you that my name is Tom. कि चलो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा नाम टॉम है. कोई अनजाना आदमी जब अपना इंट्रोडक्शन दे तो आपको अपना समझ के बोलता है कोई दुश्मन नहीं कहेगा कि मेरा नाम चार्ली है मेरा नाम मैथ्यू है मेरा नाम आनंद है मेरा नाम रिकी पॉन्टिंग है कोई नहीं बोलेगा ओके. उसने बड़े इंपल्सिव तरीके से कहा था तब भी मैंने उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लिया उसे पसंद नहीं किया था क्या कहा था उसने कल कहा था एनीवे चलो जो भी है लेट मी टेल यू दैट माय नेम इज टॉम कि चलो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम जो है टॉम है. She had only bowed her little distance bow. वह केवल उसके समक्ष जो अपना दूरी से झुकी थी बो का मतलब झुकना होता है और झुकने का मतलब ये नहीं कि समर्पण करना. जापानीज लोग जो है इंडिया में नमस्कार करते हैं हाथ जोड़ करके ज्वाइंट हैंड्स को ज्वाइन करके वेस्टर्न कंट्रीज में हग कर लेते हैं और चेक्स पे क्या नाम है किस कर लेते हैं वेस्टर्न कल्चर में इस तरह से फिलहाल ग्रीट होता है और जापानीज लोग जो है वो झुकते हैं वो बेंड करते हैं अपनी ओके बैकबोन को झुकाते हैं इस तरह से वो फिलहाल सलाम करते हैं सामने वाले को. शी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल डिस्टेंस बो और मैं थोड़ा सा दूर खड़ी होकर झुकी थी उसे समझाने उसका नाम पूछने बताने पर ओके. शी सॉ हर्ट इन हिज आईज और हाना ने जो है उसकी आंखों में दुख देखा था बट शी डिड नॉट विश टू एसॉज इट और एसॉज का मतलब होता है कम करना लेकिन उसके दुख को कम करने की इच्छा हाना में नहीं थी लेकिन उसके दुख को एहसास करने की इच्छा हाना की नहीं थी हाना उसके दुख को कम करना नहीं चाहती थी. इंडीड वास्तव में ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस की बात तो ये थी ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन हिज हाउस कि वह अपने घर में बहुत ही बड़ी परेशानी था अपने का मतलब हाना के और सदावे घर में वह इस घर में जो बहुत ही बड़ी परेशानी था एक दिक्कत था. As for सदाव और सदाव की बात करें तो यहाँ पर हाना की बात हुई और सदाव की बात करें तो every day he examined the wounds carefully हर दिन जो उसने घाव को बड़ी
सावधानी से जो एग्जामिन किया था, हर दिन जो उसने बड़ी सावधानी से जो है घाव को एग्जामिन किया था, जांच परख की थी उसकी, हर रोज एज ए डॉक्टर एक डॉक्टर होने का फर्ज वह निभाता था। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, और इस सुबह जो आखिरी जो स्टिचेस है जो टांका लगाया था उससे उसे भी निकाल लिया गया था। एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर, और जो यंग मैन था वह एक पखवाड़े में, फोर्टनाइट का मतलब 15 डेज होता है, 15 दिन का पखवाड़ा होता है, तो एक फोर्टनाइट में 15 डेज में वह पहले की तरह वेल हो जाएगा। सदा वेंट बैक टू हिज ऑफिस, सदा वापस अपने ऑफिस में गया जब उसे लगा कि 15 डेज में पखवाड़े में सही हो जाएगा, वेल हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। सदा क्योंकि आखिरी जो स्टिचेस था उसका टांका बोलते हैं, टांका लगाया था उसके, स्टिचेस लगाते ना टांका लगाते, उसे निकाल दिया था। सदा वेंट बैक टू हिज ऑफिस, सदा अपने ऑफिस में वापस गया। एंड केयरफुली टाइप अ लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस, और चीफ ऑफ पुलिस को, हेड ऑफ द पुलिस को एक लेटर टाइप किया, बड़े केयरफुली, बड़ी सावधानी से जो है लेटर टाइप किया, रिपोर्टिंग द होल मैटर, सारे मैटर की जानकारी देते हुए, सारे मामले की जानकारी देते हुए। ऑन द 21st डे ऑफ फरवरी, और लिखा उसने ऑन द 21st डे ऑफ फरवरी कि फरवरी के 21st को, मतलब 21st ऑफ फरवरी को, द एन एस्केप प्रिजनर वॉज वॉस्ड अप ऑन द शोर, लिख रहा है, लिखा उसने कि एक बचा हुआ युद्ध, एक बच के भागा हुआ युद्धबंदी जो था वो बह करके उसके ऑन द शोर का मतलब किनारे पर आ गया था, समुद्र किनारे आ गया था। किस किनारे पर? इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के किनारे पर। अरे फिर दादा क्या लिखा उसने, उसने लिखा टू द चीफ ऑफ द पुलिस को, रिपोर्टिंग द होल मैटर, सारे मामले की जानकारी देते हुए, ऑन द 21st डे ऑफ फरवरी कि फरवरी के 21st को एन एस्केप प्रिजनर, एक बच के भागा युद्धबंदी जो है, वास वॉस्ड अप ऑन द शोर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, कि मेरे घर के सामने जो है शोर किनारे पर आ गया था, समुद्र किनारे। सुफा ही टाइप, और जैसे उसने टाइप किया, एंड देन ही ओपन अ सीक्रेट ड्रॉअर ऑफ हिज डेस्क, और उसके बाद उसने अपने डेस्क के सीक्रेट ड्रॉअर, रहस्यमय जो ड्रॉअर था उसे खोला, एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट, और उसके अंदर अनफिनिश्ड रिपोर्ट को डाल दिया, मतलब रिपोर्ट पूरी नहीं लिखी उसने, कुछ लिखा थोड़ा बहुत बताते हुए, और रिपोर्ट अनफिनिश्ड रिपोर्ट जो एक रिपोर्ट पूरी नहीं हुई थी उसे डाल दिया, रख दिया ड्रॉअर में, नहीं लिखा पूरा। On the seventh day after that, और इस दिन के बाद, किस दिन के बाद, जब उसने रिपोर्ट लिखना शुरू किया था उस दिन के बाद, सातवें दिन, और द सेवंथ डे आफ्टर दैट, और सातवें दिन उस दिन के बाद, टू थिंग्स हैपेंड, दो बातें घटी। 15 डेज की बात हुई थी पूरा ठीक हो जाएगा एक फोर्टनाइट में, और उस घटना के बाद, कौन सी घटना, जब वो लिख रहा था लेटर चीफ ऑफ द पुलिस को, उसके सात दिन बाद, ऑन द सेवंथ डे आफ्टर दैट, टू थिंग्स हैपेंड, दो बातें घटी, दो घटनाएं घटी। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, मॉर्निंग में सुबह सुबह जो है सर्वेंट्स नौकर एक साथ घर को छोड़कर चले गए, कैसे, दे बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वायर, दो बातें घटी सुबह सुबह, कौन कौन सी थी, पहली ये थी, इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, कि सुबह सुबह जो सर्वेंट्स हैं वो लेफ्ट टुगेदर एक साथ चले गए थे, दे आर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वायर, कॉटन खर्चिफ, हैंडकर्चिफ, यहाँ पर एक खर्चिफ है, बड़ा कपड़ा है, बड़े से लार्ज स्क्वायर वर्गाकार कपड़े में उसने, उन्होंने अपना सारा का सारा जो बिलोंगिंग्स है, सारा का सारा जो साजो सामान है उसे बांध रखा था, बांध लिया था। फिर हाना गॉट अप इन द मॉर्निंग, जब हाना सुबह सुबह उठी, नथिंग वॉज, कुछ भी नहीं किया गया था, मतलब घर का कोई भी काम नहीं किया गया था, द हाउस नॉट क्लीन, घर की साफ सफाई नहीं हुई थी, एंड द फूड नॉट प्रिपेयर, और खाना नहीं पकाया गया था, खाना तैयार नहीं हुआ था। And she knew what it mean, और वह जानती थी इसका मतलब क्या था, She was dismayed and even terrified. वह काफ़ी dismayed हो गई, dismayed का मतलब परेशान होना, चिंतित होना, और हाना काफ़ी चिंतित हो गई थी, बहुत ही परेशान हो गई थी, and even terrified, और यहाँ तक कि भयभीत हो गई थी। But her pride as a mistress, लेकिन एक मालकिन के रूप में उसका गौरव, उसका मान, उसका सम्मान, उसका नाज, वो नॉट अलाउ हर टू शो इट, उसे आज्ञा नहीं दी उसके प्राइड ने कि वो कुछ शो करे, क्या डिस्ट्रेस, डिसमे और टेरिफाइड वाला जो उसका जो मैनर था, जो उसके जेस्चर थे, उसके प्राइड ने उसे शो नहीं करने दिया, उसके उसे नाज था, उसे गर्व था कि मैं मिस्ट्रेस और मालकिन सकती, तो वो परेशान होने के बावजूद अपने चेहरे पर परेशानी की हाव भाव नहीं ला सकी।
Instead, she inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen. और इसके बावजूद वह जो है instead she inclined her, वह inclined हुई, थोड़ा झुकी, झुकते हैं. जापानीज मैंने कहा ना हल्का सा ग्रीन करने के लिए झुकते हैं. Instead she inclined her, इसके बावजूद वह झुकी. Had उसने अपने सर को झुकाया. gracefully का मतलब बड़े शान से, बड़ी शालीनता से. When they appeared before her in the kitchen, जब वो उसके सामने जो किचन में समक्ष प्रस्तुत हुए, जब नौकर जाने से पहले खाना के सामने किचन में समक्ष आए, तो बड़ी gracefully जो inclined हुई, बड़ी gracefully वह झुकी उनके सामने. झुकने का मतलब आई रिपीट द अगेन, इसका मतलब नहीं कि आप झुक करके शो कर रहे हो कि मैं तुमसे, तुम्हारा रैंक, मेरा रैंक तुमसे कम है. एक तरीका है जापान में ग्रीट करने का, किसी को अलविदा कहने का, किसी का वेलकम करने का. एंड शी पेड देम ऑफ एंड थैंक्ड देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर. एंड शी पेड देम ऑफ, और हाने उन्होंने पेड किया, मतलब जो भी उनका सैलरी बन रहा था उनका भुगतान किया. और उसके बाद क्या किया, एंड थैंक देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर, और जो भी कुछ किया था नौकरों ने उसके लिए या उस परिवार के लिए, उसके लिए धन्यवाद दिया, उसके लिए धन्यवाद दिया. दे वर क्राइंग, वे रो रहे थे. सर्वेंट्स क्या कर रहे थे, रो रहे थे. दे वर क्राइंग बट शी डिड नॉट क्राई, लेकिन वह नहीं रोई, हाना नहीं रोई. द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाव सिंस ही वाज अ लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस. कुक ने, रसोइये ने और गार्डनर ने और माली ने जो है सदाव की सेवा तब से की थी. Since he was a little boy in his father's house, जब से वह, कब से, तब से, कब से, तब से, जब से वह अपने पिता के घर में क्या था, छोटा बच्चा था, बचपन से उसकी सेवा की थी. And Yumi cried because of the children, और Yumi रोई थी किसके वजह से, बच्चों की वजह से. Yumi को बच्चों से बड़ा लगाव था, खाना और सदाव के बच्चों से बहुत ही उसे प्यार था, उनके बच्चों को संभालती थी वो. Yumi cried because of the children. She was so grieving, वह बहुत दुखी थी, उसे काफ़ी दुख हो रहा था. दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हाना, और इतना दुख हुआ कि जाने के बाद भी जब दौड़ी दौड़ी हाना के पास आई, इतना दुख हुआ कि जाने के बाद भी दौड़ी दौड़ी हाना के पास आई. इफ द बेबी मिसेज मी टू मच टू नाइट, और कहा कि अगर आज रात को बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं. इफ द बेबी मिसेज मी टू मच टू नाइट, अगर बेबी आज रात को मुझे बहुत मिस करते हैं, सेंड फॉर मी, मुझे बुला लेना. अगर बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, मालकिन से बोला, हाने से बोला, तो मुझे बुला लेना. आई एम गोइंग टू माई हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़, मैं अपने घर जा रही हूँ और आप जानती हैं वो कहाँ पर है, आसपास ही होगा. तभी उसने कहा, थैंक यू हाना सेड स्माइलिंग. हाना ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, थैंक यू. बट शी टोल्ड हरसेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमीज़, हाउएवर द बेबी क्राइड. लेकिन हाना ने अपने आप से कहा, हाना ने अपने आप से क्या बोला, she would not send for Yumi, however the baby cried, कि वह Yumi को नहीं बुलाएगी. सेंड का मतलब बुलाना, सेंड का मतलब ऐसे भेजना होता है, लेकिन बुलाना, किसी को भेज करके बुलाना, कि वह Yumi को नहीं बुलाएगी. भले ही बच्चे जो हैं रोए, चिल्लाए, बिलखे, बच्चे जो हैं क्राइड करें, बच्चे भले ही बच्चे रोए, मैं नहीं बुलाऊंगी उसको. She made the breakfast and Sadaw helped with the children. उसने ब्रेकफास्ट तैयार किया, एंड Sadaw helped with the children, और Sadaw ने बच्चों की सहायता की. जो भी बच्चों का केयर करने का या नर्चर करने का वहाँ पे काम था, सदा ने किया. और हाना ने जो ब्रेकफास्ट बनाया, नीदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन. और दोनों ने जो है, नौकरों के बारे में बात नहीं की, बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन, इस तथ्य के बावजूद कि वो जा चुके थे. उनके जाने के बावजूद भी, इस बात को जानते हुए कि वो जा चुके थे, उन्होंने नौकरों के बारे में बात नहीं की. But after Hannah had taken morning food to the prisoner, लेकिन जब हाना जो है सुबह सुबह का खाना जो है prisoner के लिए लेकर गई, उस कैदी के लिए लेकर गई, she came back to Sadaw, वापस Sadaw के पास आई. वापस कहाँ पर आई, Sadaw के पास आई. But after Hannah had taken morning food to the prisoner, लेकिन मॉर्निंग फूड का मतलब सुबह सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है, जब वो प्रिजनर को देकर आई, और देने के बाद जब वापस आई, किसके पास आई, शी केम बैक टू सदाव, सदाव के पास आई. व्हाई इज इट वी कैन नॉट सी क्लियरली दैट वी ऑट टू डू, कि हमें साफ साफ क्यों नहीं देख सकते, हमें क्या करना चाहिए. व्हाई इज इट वी कैन नॉट सी क्लियरली व्हाट वी ऑट टू डू, कि हमें क्लियरली सी का मतलब ये साफ साफ क्यों नहीं देख सकते कि हमें क्या करना चाहिए. शी आस्क्ड हिम, हाना ने पूछा सदाव से, इवन द सर्वेंट सी मोर क्लियरली दैन वी डू, यहाँ तक कि नौकर जो हमसे ज़्यादा समझ सकते हैं, नौकर को हम, नौकरों को हमसे ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देता है,
यहाँ तक कि इवन द सर्वेंट सी मोर क्लियरली, यहाँ तक कि नौकर जो है ज़्यादा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं दैन विजू बजाय हमारे, बजाय हमारे। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज, हम बाकी जापानी से अलग कैसे हैं, हम बाकी जापानियों से अलग क्यों हैं। सदाओ डिड नॉट आंसर, सदाओ ने जवाब नहीं दिया, सदाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। बट अ लिटल लेटर ही वेंट इन टू द रूम वेयर द प्रिजनर वास एंड सेड ब्रस्कली, यानी थोड़ी देर बाद वह कमरे में गई, किस कमरे में गई जहाँ पर कैदी था, और बड़े रूखे भाव से बोला, ब्रस्कली का मतलब रूखे भाव से, बड़े रूखेपन से बोला। कैसे बोला, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, कि आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट अ टाइम, आई रिपीट द लाइन अगेन, सदाओ डिड नॉट आंसर, उसने जवाब नहीं दिया। बट अ लिटल लेटर ही वेंट इन टू द रूम वेयर द प्रिजनर वाज एंड सेड ब्रस्कली, और वह कमरे में गया जहाँ पर कैदी था और कहा, ब्रस्कली का मतलब बड़े रूखेपन से कहा, क्या बोला, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, कि आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो, आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली फॉर 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स एट अ टाइम, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार में केवल 5 मिनट खड़े हो, मतलब खड़े होने की प्रैक्टिस करो, वाउंड है, ऑपरेशन हुआ है, पेन होगा, लेकिन एक बार में 5 मिनट खड़े होने की प्रैक्टिस करो। टुमारो यू मे ट्राई ट्वाइस एज लॉन्ग, और कल जो तुम 2 बार करने की कोशिश कर सकते हो, मतलब 2 बार 5 मिनट्स के लैप में खड़े हो सकते हो। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, इट वुड बी वेल, अच्छा होगा दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को, तुम अपनी ताकत को जितना क्विकली, जितना जल्दी से प्राप्त कर लो, कर सको, कर लो, अच्छा होगा, तुम्हारी स्ट्रेंथ जितना क्विकली फुर्ती से वापस आ जाए, अच्छा होगा। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग मैन फेस, और उस यंग मैन के फेस पर, उस नवयुवक के चेहरे पर आतंक की झलक देखी। फ्लिकर ऑफ टेरर, फ्लिकर फ्लिकिंग करना ना, फ्लेम फ्लिकिंग करती है इस तरह से। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग फेस, और उसने नवयुवक के चेहरे पर, नौजवान के चेहरे पर आतंक की झलक देखी। दैट वॉज स्टिल वेरी पेल, जो उसका चेहरा अभी भी कैसा था, पेल था, काफ़ी पीला पड़ा हुआ था। कहा उसने, ओके, क्या कहा, ओके, द बॉय मर्मर्ड, बॉय ने मर्मर किया, मर्मर का मतलब बड़बड़ाया, उसने साउंड से नहीं बोला, आवाज़ देके नहीं बोला, कहा कि ओके, क्या बोला उसने, ओके, ओके मीन्स ओके लाइक दैट, बर्बर मर्मर किया, केवल बड़बड़ा के बोला। एविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर, कि स्पष्ट रूप से वह कुछ और कहना चाहता था, डिटरमाइंड था, संकल्पित था कुछ और कहने के लिए। आई फील आई ऑट टू थैंक यू डॉक्टर, कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मुझे आपको धन्यवाद कहना चाहिए फॉर हैविंग सेव माई लाइफ, मेरा जीवन बचाने के लिए, कि मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए, धन्यवाद बोलना चाहिए मेरा जीवन बचाने के लिए। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाओ ने कहा, डोंट थैंक मी टू अर्ली, मुझे इतना जल्दी धन्यवाद मत दो, मुझे इतना जल्दी जो है धन्यवाद मत दो। सैड कोल्डली उसने बड़े शांत भाव से कहा, क्या बोला, डोंट थैंक मी टू अर्ली, मुझे इतना जल्दी धन्यवाद मत दो। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन द बॉयज आईज, और उसने फिर से जो बॉयज की आंखों में, लड़के की आंखों में जो आतंक की झलक देखी, फिर से लड़के की आंखों में क्या देखी, आतंक की झलक देखी। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल, एक ऐसा आतंक जिस प्रकार से बिना किसी गलती के जानवरों की आंखों में दिखाई देता है। ओके, जब किनारे, नदी किनारे जो है डीर जब पानी पीने के लिए आते हैं, कोई आसपास कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तब भी काफ़ी चौकन्ने रहते हैं, मगर ऐसा आतंक जो है उसकी आंखों में दिखाई दिया, बिना किसी मिस्टेक के, अनमिस्टेकेबल, बिना किसी गलती के, उसका जिस प्रकार से जानवरों की आईज में दिखाई देता है, एनिमल्स की आंखों में दिखाई देता है, ऐसा आतंक जो है उसके आंखों में दिखाई दिया। द स्केयर्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट, और जो स्केयर्स थे उसकी गर्दन पर, वह स्केयर जो हाना ने पहचाने थे, देखे थे, बताए थे ऑपरेशन के समय, द स्केयर्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट, और वह दाग धब्बे जो उसके गर्दन पर थे कुछ समय के लिए क्रिम्सन, गहरे लाल हो गए, लाल हो गए। दो स्केयर्स, वह स्केयर्स, वह दाग धब्बे, व्हाट वर दे, वो क्या थे, सदाओ डिड नॉट आस्क, सदाओ ने नहीं पूछा उनके बारे में। इन द आफ्टरनून शी, द सेकेंड थिंग हैपेंड, पहली बात तो हो गई थी, ठीक है ना, और दूसरी बात यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर क्या होती है, इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपेंड, और दोपहर में एक घटना जो सेकेंड थी, दूसरी वाली बात थी, वो घटी, वो क्या थी, खाना वर्किंग हार्ड और अनकस्टम लेबर। हाना जो है अनकस्टम लेबर का मतलब है, एक होता है कस्टम लेबर, एक होता है अनकस्टम लेबर। कस्टम का मतलब जिसके आप कस्टम्ड हो, जिसके आप आदि हो, जिसको करने के आप हैबिचुअल हो, लेकिन यहाँ पे हाना अनकस्टम्ड है,
उसे वो काम करने की हैबिट नहीं है. ओके साना इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपेंड. दोपहर में दूसरी घटना घटी. हाना वर्किंग हार्ड ऑन अकस्टम लेबर. हाना ने जो है बहुत मेहनत की थी उस कार्य में जिसकी वह आदि नहीं थी, उसकी हैबिट उसको नहीं थी. सो अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म. और उसने देखा कि दरवाजे पर जो एक मैसेंजर आया था यूनिफॉर्म पहने, एक संदेशवाहक आया था यूनिफॉर्म पहने. हर हैंड्स वेंट वीक एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ. उसके हाथ कमजोर पड़ गए और वह श्वास नहीं ले पाई. क्या लगा उसको? उसे लगा कि मेरे हस्बैंड को जो है पकड़ने के लिए पुलिस आ गई है. यूनिफॉर्म पहने मैसेंजर आया था, वह उसके हाथ वीक हो गए और वह श्वास नहीं ले पाई. द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी. और उसे लगा कि नौकरों ने पहले इसके बारे में बता दिया. शी रैन टू सदा. वह दौड़ी दौड़ी कहाँ पर गई? सदा के पास गई थी. गैस्पिंग हाँफते हुए, अनेबल टू अटर अ वर्ड. और एक शब्द भी नहीं बोल पाई, एक वर्ड नहीं बोल पाई. बट बाय देन द मैसेंजर्स हैड सिंपली फॉलो हर थ्रू द गार्डन एंड देयर शी स्टूड. पर बाय देन, लेकिन तब तक, कब तक? जब तक वह हाना के पास पहुंची तब तक. ओके बाय देन, बट बाय देन द मैसेंजर्स हैड सिंपली फॉलोड हर. लेकिन तब तक मैसेंजर्स उसके पीछे पीछे केवल गया था, उसके पीछे पीछे उसको फॉलो किया थ्रू द गार्डन, बगीचे से बागान से होते हुए. एंड देयर ही स्टूड, वहां पर वो खड़ा हुआ. शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली. और हेल्पलेसली निसहाय होकर उसने जो इशारा किया उसकी ओर, उस मैसेंजर की ओर, बोल नहीं पा रही, हाफ रही है, थक गई. सदा लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक. सदा ने अपनी किताब से ऊपर, किताब बुक पढ़ रहा था, उसने ऊपर देखा. उसने क्या किया? ऊपर देखा. He was in office. वह अपने ऑफिस में था. The other partition of which was thrown open to the garden. वह ऑफिस जिसका दूसरा partition means दरवाज़ा जो है बगान की और बगीचे की ओर खुलता था. For the south and sunshine, दक्षिणी दरवाजे से, दक्षिणी दिशा से आने वाली सूर्य की धूप के लिए. What is it? क्या है मामला है, क्या बात है? He asked the messenger. उसने मैसेंजर से पूछा, उसने संदेशवाहक से पूछा. हाँ, सदाव ने जो है संदेशवाहक से पूछा, क्या पूछा? व्हाट इज इट, क्या मामला है, क्या बात है? एंड देन ही रोज, के बाद वो उठा. सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म, उस आदमी की यूनिफॉर्म को देखते हुए पूछा, उठा वह. यू आर टू कम टू द पैलेस. यू आर टू कम टू द पैलेस. पैलेस का मतलब यहाँ पर क्या है? महल से है. यू आर टू कम टू द पैलेस, कि आपको महल में चलना है, आपको महल में आना है, आपको महल में आना है. द मैन सेड, मैन ने कहा. द ओल्ड जनरल इन हिज पेन अगेन. और कहा कि जो ओल्ड जनरल है, जो जनरल है, जो बूढ़े सेनापति है, वो दोबारे फिर से दर्द में, मतलब उन्हें फिर से पेन हुआ है. अच्छा, ये बात है. तो फिलहाल जनरल जो है, सेनापति जो है, ओल्ड जनरल है, उनको फिर से पेन हुआ है, बताया मैसेंजर ने. ओह हाना ब्रेथ. और ये बात सुन के हाना ने कहा, ओह, कहा, फिर सांस ली उसने, उसकी जान में जाना. कहा, ओह इज दैट ऑल, कि ये सारी बातें हैं क्या? ऑल द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड. और एक्सक्लेम का मतलब मैसेंजर ने बड़े भवावेश में कहा, ऑल, हाँ यही सारी बातें हैं. Is it not enough? Is it not enough? क्या यह पर्याप्त नहीं है क्या? चलने के लिए बात पर्याप्त नहीं है क्या? कि इसकी जो जर्नल है उसमें बहुत ही पेन हो रहा है. जो बूढ़े सेनापति हैं, सेना में सेनानायक जो होते हैं, वो बीमार हैं, उनको पेन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने बुलाया आपको पैलेस में. Is it not enough? क्या ये पर्याप्त नहीं है क्या? Indeed it is, she replied. उसने कहा कि हाँ, वास्तव में है, बहुत पर्याप्त है ये बात मेरे हस्बैंड को यहाँ जाने के लिए. आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख है इस बात के लिए. मैंने जो बिहेव शो किया, मुझे दुख है इस बात के लिए. बिहेव शो किया, आई एम सॉरी, मुझे दुख है इस बात के लिए. मतलब जर्नल की जो प्रॉब्लम हो रही है जर्नल को, मुझे दुख है इस बात के लिए. When Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen. तो सदाव, जब सदाव कहने के लिए आया goodbye, तो वह किचन में थी. अपनी वाइफ से बोलने के लिए आया, goodbye बोलने के लिए गया. तो उसने जब गया goodbye बोलने के लिए, तो वह किचन में थी. बट डूइंग नथिंग, कुछ नहीं कर रही थी. द चिल्ड्रन वर एक्चुअली, बच्चे सोए हुए थे. And she sat merely resting for a moment. और वह एक क्षण के लिए उसने आराम किया था केवल एक क्षण के लिए ही. मतलब वह विश्राम के लिए बैठी थी. More exhausted from her fright than from work. और वह अपने काम से ज़्यादा, अपने भय से, अपने फ्राइट से थकी हुई थी, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी. ओके स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडे. पेज नंबर 39. द नेक्स्ट वुड बी योर इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.